सरोकार। मंत्री जयसिंह अग्रवाल पहुंचे गौरेला पेंड्रा, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। सरगुजा में पत्रकारों के समर्थन में बीजेपी ने की पीसी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सरगुजा में निर्मला घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार, पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों ने लगाया आरोप। लोरमी में अवैध खनन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। कोरबा में मालवाहक बना का गोला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुक करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के आपदा एवं राजस्व मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल आज एक दिवसीय दौरे पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उनमें तेजी लाने के निर्देश मंत्री ने दिए। इसके बाद जिले में लगभग 2.5 करोड़ की लागत बनने वाले सर्किट हाउस का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से मिलने वाली GST एवं अन्य मद की राशि में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। सरकार का हमारा आरोप है कि केंद्र सरकार को जो भी योजनाएं हैं और जो राशि उसने रोकी हुई है उसको तत्काल भुगतान करना चाहिए, क्योंकि जो भी निर्माण और विकास के कार्य होते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है, अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो राशि स्वीकृत हुई है अगर उसका समय पर भुगतान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो सड़कें बन सके। उसी प्रकार GST का जो हमारा अधिकार है हमारी सरकार का, तो GST की राशि को रोकना या अन्य जो भी मद हैं उसकी राशि को रोकना उचित नहीं है और केंद्र सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। कि 4 साल में उनके सरकार के समय, उनके मुख्यमंत्री काल में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और नित नए किस्म के अपराध छत्तीसगढ़ में घटित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाने वाला प्रदेश है, यहाँ पर बाहर से दूसरे राज्यों से गैंगवार आ गए हैं। खबर सरगुजा से है, जहां भाजपा आदिवासियों का पूरा संगठन पत्रकार के साथ हुए जाति सूचक वाले पत्रकार और जान से मारने की धमकी को लेकर भाजपा आदिवासियों का संगठन समर्थन में आया और इसका विरोध जताते हुए आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेसी नेता इरफान सिद्दीकी ने पत्रकार सुशील कुमार बखला को जान से मारने की धमकी सहित जाति सूचक गाली देने का आरोप लेकर भाजपा आदिवासी संगठन के द्वारा भाजपा कार्यकाल अंबिकापुर में बैठक कर पत्रकार के साथ हुए दुर्व्यवहार सहित जान से मारने की धमकी को निंदनीय बताते हुए आरोपी इरफान सिद्दीकी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करने पर भाजपा आदिवासी संगठन के द्वारा आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के आदरणीय विधायक अमरजीत भगत जो आज खाद्य मंत्री हैं, 16 दिसंबर को उन्होंने हमारे क्षेत्र के पत्रकार साथी सुशील बाखला को उन्होंने गाली गलौज किया, धमकी दी। उसके साथ ही इरफान सिद्दीकी ने भी उनको जूठन चाटने वाला जाति का बताया, तो हम लोग बहुत क्रोधित हैं, दुखी भी हैं। जो पत्रकार, आदिवासी पत्रकार सुशील बखला के ऊपर जिस तरीके से इरफान सिद्दीकी के द्वारा गाली गलौज और जूठन चाटने की जो बात कही गई, उसके विरोध में और निंदा में ये प्रेस वार्ता आज की गई, और हम लोग ये चाहते हैं और मांगते भी हैं और शासन अपना कान को सीधा भी कर ले कि अगर इरफान सिद्दीकी 48 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके सिटी कोतवाली को हम लोग घेर लेंगे और
और घेर के जब तक इरफान सिद्दीकी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक वहां से हम लोग नहीं उठेंगे। 16 दिसंबर को जो सुशील बाखला जी न्यूज के जो पत्रकार हैं बतौली के और जिले के, उनके साथ जो इरफान सिद्दीकी द्वारा गाली गलौज किया गया है उसके लिए निंदा कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी हो, और सुशील बाखला जी के ऊपर जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला कहानी हुआ है, तो उनका केस वापस किया जाए। और जूठन चाटने वाला जो विषय आया है सर, सभी आदिवासी समाज को कहा है, वो भी बहुत ही बड़ा निंदा का विषय है, क्योंकि अमरजीत भगत भी मंत्री है और उसी के साथ रहता है, उनको भी इसका निंदा करना चाहिए, उसे वैसे आदमी को अपने साथ से हटाना चाहिए। खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत चांदों में वन विभाग की ओर से ग्रामीणों के निस्तारित के लिए बनाए गए तालाब में घटिया स्तर का निर्माण घाट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। साथ ही घटिया स्तर का निर्मला घाट का निर्माण कराए जाने का आरोप पूर्व सरपंच व ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद सदस्य पति शिवा व अन्य क्षेत्र के जनपद सदस्य राम गोपाल के द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से अन्य ग्रामों के श्रमिकों को लाकर कार्य कराया जा रहा है। गौरतलब है कि लखनपुर जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में हुए सीसी सड़क नाले निर्माण और पुलिया निर्माण कार्य अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी घटिया निर्माण बना रहे हैं, गांव वाले जो है आकर के समझाई दिए कि भाई बेस डाल करके आप जो है इसको मजबूत बनवाए, तो वहाँ जो है भाई डुप्लीकेट बनाया जा रहा है। अच्छा, तो बेस नहीं किया जा रहा है? बेस नहीं किया जा रहा। अच्छा, क्योंकि शिकायत नहीं की थी, पूरे गांव वाले आए थे, अब गांव वाले इनको समझाइश देकर गए थे कि भाई जो भी मद से पैसा आया है उसका सही दुरुपयोग मतलब सही उपयोग करना चाहिए। अच्छा, कितने लाख रुपए से निर्माण हो रहा है कुछ पता है क्या? अब इनको पूछने से तो एक को 4 लाख बोलते हैं, एक को 2.5 लाख बोलते हैं, अब इसमें कितना है मेरे को जानकारी नहीं। BDC मद है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए का स्वीकृति हुआ 15 दिन से है। अच्छा, किनके द्वारा ये काम कराया जा रहा है सर? अब BDC के द्वारा कराया जाना है, BDC मत का है। अच्छा सर, जैसे ग्रामीणों का आरोप, क्या कह रहा है आपका? अब उसी को मैं देखने के लिए आया हूँ, देखने के लिए। अच्छा, अब शिकायत हुआ तो और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस सेन हमारे साथ जुड़ेंगे। तापस, क्या है पूरा मामला जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है? नंदिनी, आपको बता दूं, ये काम वन विभाग के द्वारा हो रहा था और इस पे मनरेगा के तहत ये काम होना था, जिसको कि इन्होंने ठेकेदार और मशीनों के द्वारा करवाया है, बाहर से लेबर मंगवा करवाया है। और जब वहां पर निरीक्षण करने हमारी टीम गई थी, पूरा का पूरा घटिया निर्माण एकदम दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था कि पूरा घटिया निर्माण है वो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिलासपुर में नगर निगम ने बस्ती को तोड़ने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध में अब बस्ती वासी और राजनीतिक दल उतरते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बस्ती वासियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वहीं अधिकारियों और सरकार के मौखिक आश्वासन से अब बस्ती वासी परेशान नजर आ रहे हैं। निवासियों का कहना है कि उन्हें पट्टा प्रदान किया गया था, लेकिन अब हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि उनकी मांग है कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाए और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम लोग की मांग हुई है बस कि हमारा यहाँ पट्टा दिया जाए हमको, और स्मार्ट सिटी के लिए पीछे पड़े हैं, तो स्मार्ट सिटी के लिए हमको एक नक्शा दे दिया जाए नगर निगम, और आवास योजना के तहत पैसा दे दिया जाए, रजिस्ट्री के हिसाब से हमको ज़मीन दे दिया जाए लिखित में, हम अपना बना के और अपना यही रहना चाहिए। मांग हमारी सिर्फ 3 है। एक प्रमुख मांग हमारी ये है कि जो यहाँ पर इतने सालों से कई पूर्वजों के समय से कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास अपना पट्टा है, ऐसे पट्टाधारी स्थायी पट्टाधारी लोगों को मालिकाना हक दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शामिल हुए हैं, जो 25-30 सालों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, और सरकार पट्टा वितरण का कार्य भी सर्वे के दौरान कर रही है। हम चाहते हैं सर्वे करके यहाँ पर भी जिनके पास पट्टे नहीं उनको पट्टा दिया जाए, जिनके पास स्थायी पट्टे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, और ये सबसे पहले सुनिश्चित किया जाए। जो बार बार ये मौखिक कहते हैं नेता लोग कि आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये मौखिक नहीं बल्कि लिखित में बोला जाए कि आपको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा।
और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तापसेन हमारे साथ जुड़ेंगे। तापसेन, बिलासपुर में क्या है बस्ती तोड़ने का मामला जो अब आंदोलन का रूप ले रहा है? लेकिन नंदिनी जी, ये बस्ती वालों का बहुत बड़ी विडंबना है। केंद्र शासन ने बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयन किया है, मगर एक सरकार आता है उनको पट्टा दे के जाता है, दूसरा सरकार उनके पट्टे को निरस्त करके वहां को तोड़ के स्मार्ट सिटी का बनाना चाहता है। बस्ती वाले सिर्फ एक छोटा सा डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो भी दिया जा रहा है, हमारे द्वारा लिया जा रहा, हमको पट्टा दिया जाए, हमको स्थायी निवासी बनाया जाए, एक छोटा सा मांग है। नेता इस पे अपनी राजनीति से एक राजनीति की रोटी सेक के चले जाते हैं, मौखिक आश्वासन देते हैं, मगर इनकी मांग को कोई नेता आज तक पूरा नहीं कर पाया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तपस। खबर लोरमी से है जहां अवैध मोरंग माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए खनन में इस्तेमाल की गाड़ी और मशीनों के जब्त किया है। वहीं पुलिस की कार्यवाही से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। बुधवार परसवारा से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध मोरंग का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। आज छापामार कार्रवाई की गई और मौके पे से 7 हाईवा और 1 पोकलेन जब्त किया गया है। इनके द्वारा बुधवार तालाब सौंदर्यीकरण का मुरम परिवहन का पास दिखाया गया है, किंतु मौके पर तालाब नहीं दिखा है। इसका सत्यापन कल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के जंगलों के बीच बसा दंतेवाड़ा जिला, जो दशकों से नक्सलगढ़ माना जा रहा है, उसी दंतेवाड़ा की अब बदलती तस्वीर नजर आ रही है। आपने शहरों में तो कई बार लड़कियों को कार और स्कूटी चलाते देखा होगा, पर मां दंतेश्वरी की इस पावन धरा पर बेटियों ने खेती करने के काम आने वाले ट्रैक्टर को चलाना सीखा और उसके रख रखाव करना सीखकर एक अनोखी पहल की। दंतेवाड़ा जिला, जो की एक और जैविक खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र होने का खिताब अपने नाम करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यह कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर अजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में 6 ग्रामीण युवतियों को ट्रैक्टर चलाने और उनके रख रखाव करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद यह 6 युवतियां बस्तर क्षेत्र की समस्त नारी शक्ति के लिए मिसाल बन गई। मुझे सर, मैं बहुत पहले से ही कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग बेरोजगार थे और हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र में आते हुए थे, हमें कोई रोजगार नहीं था सर, इसीलिए हमें श्री डॉक्टर नारायण साहू सर ने बोले कि केवीके में हम लोग ट्रैक्टर का प्रशिक्षण देंगे ताकि आपको आगे रोजगार मिल सके। बोलने से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में हो 1 महीना से हम लोग ट्रैक्टर का प्रशिक्षण ले रहे हैं सर, और हमें अच्छा सीख भी गए हैं ताकि हम लोग आगे कहीं ट्रैक्टर का हमें अगर कोई ले लिए हैं, हमें रोजगार देंगे तो हम लोग जरूर चलाएँगे सर। तो रोजगार नहीं है हम लोग को, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकता, और हमारे पास है यहाँ दंतेवाड़ा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए जीवन चलाने के लिए, इसलिए हम लोग को ये लगा कि हम लोग ट्रैक्टर सीख के आगे अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। सूरजपुर जिले के दूरस्थ बिहारपुर क्षेत्र के मोहरसोप में महीनों से हाथियों का आतंक जारी है, जहां हाथियों ने दर्जनों ग्रामीणों के घर सहित फसल नष्ट कर चुके हैं, जिससे ग्रामीणों पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। किसान नेता सुनील साहू ने प्रभावित ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों का हालचाल जाना और उनकी बातों को प्रशासन तक पहुँचाने का भरोसा दिलाया है। बता दें, मोहरसोप सहित अन्य ग्रामों में महीने में 8 हाथियों के दल का आतंक जारी है। अगले साल गेहूँ फसल मेरा पूरा नुकसान कर दिए। गोरेलाल बर्मन जी जहाँ तक वहाँ जाकर मौका जांच किए, एक बार नहीं कई बार मैं खाता नंबर और आधार नंबर दिया, आज तक मेरा पैसा नहीं आया। बोलते हैं कि आएगा आएगा, भाई रुक जाओ कहीं शिकायत फिकायत मत करना। आपको ठीक है भाई, ठीक है, देख लेता हूँ, लेकिन आज तक मिला नहीं, तब अब कितना देखेंगे। मौका मिला मैं अब शिकायत डाल रहा हूँ। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लगातार फोन पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे हाथियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, हाथी लगातार यहाँ के लोगों के घरों को नुकसान कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, साथ ही यहाँ पे जितने भी फसल हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। उनका सही भरपाई फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसी मामले को लेकर मैं यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ पे विभिन्न जगहों पे जाके देखा कि वास्तव में यहाँ के लोग हाथियों से रत जगा तो कर ही रहे हैं, अपने जान और माल की सुरक्षा के लिए जैसे ही शाम ढलता है वो एक ऐसे जगह की तलाश करते हैं जहाँ पर उनको हाथियों से
सुरक्षा हो सके। खबर कोरबा से है, जहां कुसमुंडा मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मालवाहक वाहन में अचानक आग लग गई। आग कैसे और क्यों लगी इस बात का पता नहीं चल सका। हालांकि कहा जा रहा है कि इंजन हीट होने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था और वाहन की आग लपटों से घिर गया। दमकल वाहन जब मौके पर पहुंचता है, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।